दोस्तों नमस्कार, कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक मैनुअल कैसे भरें, परिशिष्ट एक अर्थात 15 मई का आदेश जो है उसमें हम कैसे उसका मैनुअली भरेंगे यदि हमारे ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं निकल रहे हैं। तो मित्रों, यदि जिन्हें असुविधा हो रही तो हमारे वीडियो ज़रूर देखें कि उपस्थिति सत्यापन जो पत्रक है उसे हम परिशिष्ट एक को कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले लें और उस प्रिंट आउट में हम देखेंगे कि जिन्हें परेशानी हो रही अर्थात ऑनलाइन का सही नहीं निकल पा रहा, वही अतिथि शिक्षक भाई इस प्रपत्र को कैसे भरेंगे, भरने का तरीका क्या होगा, इस विषय में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें और भरने का तरीका भी देखें, गलती होने पर हमें समस्या हो सकती है। तो मित्रों, सन जो दिया हुआ है वहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि जिस वर्ष हमने वहाँ कार्य किया है, जैसे 2011 से 2012, तो इस प्रकार से हम वहाँ पर सन अंकित कर देंगे। इसके बाद हम विद्यालय का जो डाइस कोड होगा, हम उस डाइस कोड को यहाँ पर अंकित कर रहे हैं। अंकित करने के पश्चात विद्यालय का नाम अर्थात जिस विद्यालय में हमने सेवा दी है उस विद्यालय का नाम हमें भरना है। मित्रों, यदि हम इसे अंग्रेजी में भरें तो या कंप्यूटर ऑपरेटर जो संकुल में बैठे हुए हैं उन्हें भी सुविधा होगी, इसलिए कोशिश करें कि अंग्रेजी में ही हम इसे भरें और कैपिटल लेटर में भरें तो और अच्छा होगा। फिर अतिथि शिक्षक का गेस्ट आईडी या मोबाइल नंबर जो हमने पिछले वर्ष रजिस्टर्ड कराया है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी लिख दें, और उसी के पास यदि हमारी गेस्ट आईडी हमें मालूम है तो वह भी लिख दें। इससे संकुल में हमारा नाम सर्च करने में सुविधा होगी। इसके बाद लिखा हुआ है अतिथि शिक्षक का नाम, यहाँ पर जैसा हमारा नाम है वैसा हम लिख दें। हालांकि यहाँ पर पोर्टल में जैसा दर्ज है वैसा नाम लिखा जाना चाहिए, किंतु हमें पता नहीं है कि पोर्टल में हमारा संकुल में किस प्रकार से नाम डाला गया, इसलिए हमारा जो आधार कार्ड में नाम है वैसा ही हम नाम लिख देंगे, या फिर संकुल में जाके हम पता करेंगे कि यहाँ पर हमारा नाम किस प्रकार से लिखा गया है तो हम वैसा लिख देंगे। इसके पश्चात में अतिथि शिक्षक की जानकारी आधार के अनुसार, जो आधार कार्ड है उसके अनुसार हमारी जानकारी, तो सबसे पहले हमसे आधार कार्ड नंबर की बात होगी तो हम आधार कार्ड नंबर लिख देंगे। आधार कार्ड नंबर जो हमारा है उसे हम आधार कार्ड को सामने रख कर देखते हुए उसे लिखेंगे, जिससे कि गलती ना हो और आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही नाम हम यहाँ पे अंकित करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड से हमने इसे लिंक किया है। इसके बाद सत्र में एजुकेशन पोर्टल में लॉक किए गए मानदेयक का विवरण, तो मानदेयक का विवरण में जो टेबल बना हुआ है तो क्रमांक में हम जैसे पद जिसके विरुद्ध हमें रखा गया था, तो वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन जो भी है उसका नाम, और फिर माह जिस माह में हमने कार्य किया है उस माह का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि संस्था प्रमुख के अनुसार कार्य दिवस, संस्था प्रमुख जब हम हमारी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ संस्था प्रमुख हमारी उपस्थिति पंजी से मिलान कर यहाँ पर दिनों की संख्या को अंकित करेंगे, क्योंकि मैनुअली जो होगा इसमें हमें बहुत सावधानी रखनी है कि उपस्थिति पंजी डीओ ऑफिस चेक होने जाएगी, इसीलिए हमें वह उपस्थिति के अनुसार ही कार्य दिवस अंकित कराना है। संकुल प्राचार्य भी मानदेय के अनुसार देखेंगे, किंतु अंतिम उपस्थिति पंजी ही मानी जाएगी, इसीलिए उपस्थिति पंजी पर में अंकित दिन ही हमें अंकित यहाँ पे करना है, उसे ही फाइनल माना जाएगा। इसके पश्चात हम आवेदक के हस्ताक्षर जो लिखे हुए हैं आवेदक के हस्ताक्षर कर लेंगे। संस्था प्रमुख जो है वो दिन देखते हुए दिनांक भर देंगे, संस्था प्रमुख की यूनिक आईडी डाल देंगे, उनका पदनाम डाल देंगे और उनकी सील साइन यहाँ पे हो जाएगी, हस्ताक्षर उनके संस्था प्रमुख के यहाँ पर हो जाएंगे। इसके पास आप देखते हैं कि संकुल प्रचार का सत्यापन जो आएगा, यहाँ पर संकुल प्राचार्य महोदय को भी सत्यापन करना अनिवार्य होगा, और वो उनके देयक पत्रक
अभिलेख से मिलान करते हुए भर देंगे और इसके जो ऊपर कालम बना हुआ है अंतिम कालम उसमें दिनों की संख्या अंकित कर देंगे, डेट लिख देंगे और उनका पदनाम आईडी और उनके साइन हो जाएंगे। तो मित्रों ये सब प्रोसेस होने के बाद हमें इसे लॉक कराना है शंकुल से, और लॉक होने के बाद ही यह डीओ ऑफिस में दिखाई देगा, तब डीओ साहब इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई तभी करेंगे जब हमारा पूरा प्रमाण पत्र, उपस्थिति पंजी रजिस्टर, मानदेय पत्रक वो वहाँ ऑफिस में बुलाएंगे, चेक करेंगे, इसके पश्चात ही हमें अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो हम हमारी आईडी से निकालेंगे और पुनः संस्था से संकुल से साइन कराने के पश्चात पुनः डीओ साहब से साइन लेंगे तब वह मान्य होगा। इसलिए मित्रों संस्था में लॉक कराना अनिवार्य है। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आगे इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।